प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हिंदी व्याकरण सर्वनाम के प्रकार में प्रश्नवाचक सर्वनाम। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, इससे पहले हिंदी ग्रामर के बहुत सारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये व्याकरण के तमाम क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं और उसे याद भी करना है। प्यारे बच्चों देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, कहाँ, किसे, कैसे, किधर, किसकी, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ उदाहरणों की मदद से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए, गांव में इसे कौन नहीं जानता। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है कौन। उसी तरह से चंदन ने अपने गांव वालों को क्या दिया, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है क्या। उसके बाद तुमने रुपए किसे दिए थे, तो यहाँ पर किसे। उसी तरह से उदाहरण क्रमांक 4 देखिए, लड़के ने किससे क्षमा मांगी, तो किससे, यहाँ पर क्षमा मांग रहा है लड़का, तो किससे इसका पता नहीं है, पता करने के लिए सवाल पूछा गया है। उसके बाद ये किसकी लड़की है, तो यहाँ पर देखिए इस लड़की का पता लगाने के लिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि किसकी लड़की है। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर कौन, उसके बाद क्या, उसके बाद किसे, किससे, किसकी। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किए हुए अल्फाज हमने देखे, यहाँ पर शब्द देखे, कौन, क्या, किसे, किससे, किसकी, तो इस तरह के सवालात यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में किए जाते हैं। इन वाक्यों में आए हुए शब्द देखिए, कौन, क्या, किसे, किससे, किसकी, ये सब सर्वनाम है। इन सर्वनामों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, कौन, किसे, किससे, किसका, किसमें आदि, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी इसके अलावा भी प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम में शब्द मौजूद है। यहाँ पर हमने देखिए इन वाक्यों में आए हुए शब्द कौन, क्या, किसे, किससे, किसकी, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो इन सर्वनामों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये डेफिनेशन प्यारे बच्चों आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उसे याद भी करना है। तो यहाँ पर हमने देखे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले वीडियो में हम सर्वनाम के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर उर्दू, इंग्लिश, उसके बाद मराठी, हिंदी के तमाम ग्रामर के वीडियोस मौजूद है। देखिए फिर से एक बार सुनिए, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये चारों लैंग्वेजेस के ग्रामर के वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।